हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एनके में। दोस्तों, आज है 17 जनवरी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप भी इन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर लें, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला, इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है, इसका सही आंसर जो है AR रहमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, 2 दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब जो है वो है हैरी ब्रुक। इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रुक को दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नवाजा गया है। दिसंबर 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दो अन्य दावेदार में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ड्रेविस हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPCV की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो इसका सही जवाब जो है वो है दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCV के द्वारा जारी ताजे आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर पोल्यूटेड सिटी दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वां अखिल भारतीय विद्यापीठ अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब जो है वो है जयपुर। उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वीं अखिल भारतीय विद्यापीठ अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली एस्ले गार्डन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डन ने अपनी शानदार प्रदर्शन के दम पर दिसंबर 2022 का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्टो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब जो है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वेस्ट्रो खातों को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसके तहत बैंक द्वारा विशेष खातों को जल्द ही सक्रिय किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो इसका सही जवाब जो है वो है पृथ्वी शॉ। भारतीय क्रिकेट पृथ्वी शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ मुंबई ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 379 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्टो खाते रखने के लिए भारतीय बैंक की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब जो है वो है इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जनजाति आधारित जनसंख्या शुरू की? तो इसका सही जवाब जो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जग मिशन के लिए उन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो इसका सही जवाब जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने राज्य के जग मिशन पहल के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक झुग्गी उद्यन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें। और इसी तरीके के क्वेश्चंस, मैट्रिक्स और भी इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।